दोस्तों इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ गूगल एड मैनेजर अकाउंट कैसे आप फ्री में क्रिएट कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों गूगल एड मैनेजर बिल्कुल आप फ्री में क्रिएट कर सकते हो। गूगल एड मैनेजर अकाउंट आप अगर फ्री में क्रिएट करना चाहते हो तो डायरेक्टली जो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है उस पे क्लिक करके इस पेज में आ जाओ, या तो डायरेक्टली आप सर्च करके भी गूगल एड मैनेजर में आ सकते। अब यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद अगर आपके पास एक वेबसाइट है तो फर्स्ट ऑप्शन को चूज करना है एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। सो यहाँ पे मैं वेबसाइट ऑप्शन को चूज किया एंड यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो वेब एंड वीडियो पब्लिशर्स। सो इसमें आपको चूज करना है पर मंथ कितना पेज व्यूज आपके वेबसाइट में आ रहा है। सो 0 to 1 million हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को चूज करेंगे, ए सेंट्रल प्लेस टू मोनिटाइज डिफरेंट चैनल्स और डिवाइस, वेबसाइट, मोबाइल ऐप एंड वीडियो एंड गेम्स। ये सभी ऑप्शन के लिए फर्स्ट वाला ऑप्शन ही यहाँ पे चूज करना है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन को चूज करेंगे। अब यहाँ पे पूछेगा डू यू हैव एन एग्जिस्टिंग एडसेंस अकाउंट। सो यहाँ पे अगर आपके पास एडसेंस अकाउंट है तभी आप गूगल एड मैनेजर अकाउंट ओपन कर सकते हो। सो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे यस। अब यहाँ पे चूज करना है आपका जो ब्लॉग है वो किस टाइप का इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। अगर आपके वेबसाइट में आप न्यूज पब्लिश करते हो तो सेकेंड ऑप्शन है, टीवी एंड ब्रॉडकास्टिंग चैनल के लिए थर्ड ऑप्शन है, उसके बाद ब्लॉग अगर है आपके पास तो फोर्थ ऑप्शन चूज करना है, या तो आपको अदर ऑप्शन चूज करना है। अगर ब्लॉग टाइप है तो आप ब्लॉग ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है वेयर इज योर बिजनेस बेस्ड, मतलब कहाँ से आपका बिजनेस बिलोंग्स करता है। सो मेरा जो है ब्लॉग एशिया पे बिलोंग्स करता है तो एशिया को ही चूज करना है। सो यहाँ पे एशिया मैं चूज कर लूंगा। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद साइन अप फॉर एड मैनेजर पे क्लिक करेंगे। अब ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको नेटवर्क सेटअप करना है। सो बेसिकली आप देख सकते हो सिस्टम नोटिफिकेशन इस ये जैसे सिलेक्टेड है वैसे ही रख लेंगे, डेली डाइजेस्ट को ही टिक रहने देंगे। इसके बाद नेटवर्क सेटिंग पे जाएंगे। यहाँ पे जाके आपका टेरिटोरी सिलेक्ट करना है। सो फर्स्ट यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे कंट्री। सो यहाँ पे आपको अपना कंट्री को सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैं इंडिया से बिलोंग्स करता हूँ तो इंडिया को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद यहाँ पे आपका टाइम जोन सिलेक्ट करना है। जैसे कि देख सकते हो ऑटोमेटिक मेरा टाइम जोन आ गया है, कलकत्ता से बिलोंग करता हूँ तो कलकत्ता आ गया है। एंड करेंसी जो है INR, यहाँ पे आपको डायरेक्टली करेंसी को अगर USD में देखना है तो USD सिलेक्ट करना है, एंड अगर INR में देखना चाहते हैं तो INR सिलेक्ट। अब यहाँ पे देखो ऑप्टिमाइजेशन टिप्स एंड बेस्ट प्रैक्टिस एंड अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, इसको भी चेक कर लेंगे। एंड ये ऑप्शन भी यहाँ पे हम चेक कर लेंगे। ईमेल पे सारा इंफॉर्मेशन मेरा मिलेगा और ज़्यादा बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज कर पाऊंगा। सो सारा ऑप्शंस को हम यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करना होगा। सो टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे आप देख सकते हो। सो यहाँ पे क्या करेंगे, यस कर लेंगे एंड सेव पे क्लिक कर देंगे। अब नेटवर्क सेटअप स्टार्ट हो चुका है, अब थोड़ा वेट कर लेना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, गॉट इट पे क्लिक करेंगे। अब देख सकते हो मेरा एड मैनेजर अकाउंट ओपन हो चुका है। इसमें अलग से कोई भी अप्रूवल लेने का जरूरत नहीं है। अब डायरेक्टली अब एड यूनिट पे जाके एड क्रिएट करके अपना ऐड को रन कर सकते हो। दोस्तों ये एक नॉर्मल गूगल एड मैनेजर अकाउंट है। सो इसमें लास्ट 7 डे का कैसा ECPM रेट मिल रहा है वो मैं दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इम्प्रेशन आया है 20,000, यहाँ पे अर्निंग देख सकते हो 434.95 रुपीज़ अर्न हुआ है,
एंड ECPM देख सकते हो 21.71। सो ये बेसिकली एक नॉर्मल गूगल एड मैनेजर अकाउंट है। अब देखो अगर प्रोग्राम यहाँ पे देख सकते हो नॉन प्रोग्रामेटिक चैनल। अब देखो अगर अब गूगल एडिक्स की बात करोगे तो आपको एक MA अकाउंट के लिए अप्लाई करना होगा। डिफरेंट पब्लिशर्स MA अकाउंट को सेल करता है तो उसके थ्रू आप उसको बाई कर सकते हो। फ्री में भी MA अकाउंट मिल सकता है, वो भी दिखाने वाला हूँ, बट उसके लिए ट्रैफिक रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है। बेसिकली जो एडेक्स है उसके लिए मिनिमम 1 लाख के तकरीबन पेज व्यू लगता है पर मंथ का। अगर आपके साइट गूगल फ्रेंडली है एंड 1 लाख के ऊपर ट्रैफिक है तो आप MA अकाउंट फ्री में भी अप्लाई करके देख सकते हो। उसके बारे में भी आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा, मगर फिलहाल ये जो एड मैनेजर अकाउंट है इसमें कैसे एड यूनिट क्रिएट करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो बेसिकली आपको एड यूनिट क्रिएट करने के लिए बेसिकली आपको इन्वेंटरी पे क्लिक कर देना है, उसके बाद एड यूनिट पे क्लिक कर देना है। सो यहां पे देख सकते हो मैं 2 एड यूनिट ऑलरेडी क्रिएट करके रखा। सो आपको बेसिकली एड यूनिट क्रिएट करने के लिए एड न्यू एड यूनिट पे क्लिक कर देना है। सो उसके बाद यहां पे देखो ऑटोमेटिकली ये जो पेरेंट एड यूनिट ये ऑटोमेटिकली टॉप लेवल को सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद आपको इस एड यूनिट का नेम देना है। सो मैं एक नेम दे देता हूं इन आर्टिकल एड्स। सो एड यूनिट का मैं नाम दे दिया इन आर्टिकल एड्स। इसके बाद यहां पे कोड मांग रहा है, कोड कुछ भी आप रख सकते हो कुछ भी नेम से। सो इन आर्टिकल एड्स ही मैं रख देता हूं इसका नेम। अब देखो इन आर्टिकल एड्स हो गया तो इसको देखो इसमें कॉपी करेंगे और कोड पे पेस्ट कर देंगे। सो इन आर्टिकल एड्स ऐसे, और डिस्क्रिप्शन में भी आप कुछ भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे फिक्स्ड साइज को ही सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आप देखो मेन काम यहाँ पे स्टार्ट होता है। अब देखो एड यूनिट का साइज आपको चूज करना है। सो एड यूनिट का साइज इस तरीके से आप चूज करो जो कि मतलब आपके वेबसाइट के लिए बेटर हो। सो बेसिकली आपको क्या करना है, मोबाइल वाला एड यूनिट पहले चूज कर देना है। सो यहाँ पे बेसिकली मैं चूज कर देता हूँ तो उससे क्या होगा, आपको अनफील्ड जो इम्प्रेशन है वो कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं मोबाइल वाला ऐड पहले चूज कर लूँगा, उसके बाद हम डेस्कटॉप का ऐड चूज करेंगे। सो ये वाला ऐड बेस्ट है, 250x250 ये वाला ऐड सही है। कुछ ऐड फॉर्मेट मैं यहाँ से फटाफट करके सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपना कंटेंट के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते। सो बेसिकली मैं इतना ही ऐड यूनिट को सिलेक्ट कर लिया, देखो फिक्स्ड साइज है। इसके बाद देखो मास्टर करके लिखा है, ये जो वीडियो और ऑडियो जो साइज है उसका एड यूनिट का साइज कैसा होगा वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। सो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे एड यूनिट टाइप सिलेक्ट करना होगा। ऐसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कुछ एड यूनिट को। आप अपना वेबसाइट के हिसाब से इस एड यूनिट को सिलेक्ट करिए, वो बेटर रहेगा। सो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे टारगेट विंडो, इसको टॉप पर ही सिलेक्ट करके रखते हैं। रिवॉर्ड में जैसा है वैसे ही रख देंगे, कोई भी इशू नहीं है। इन्वेंटरी कौन सा सिलेक्ट करना है, हेडर और फुटर, आप न्यू से भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ से प्लेसमेंट में जाके आप न्यू से भी इन्वेंटरी को क्रिएट कर सकते हो, बाकी जो है वैसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद देखो रिफ्रेश रेट जो है नो रिफ्रेश करके छोड़ देंगे। ये बेसिकली जो एप्स वगैरह होता है तो उसमें रिफ्रेश मतलब 30 to 120 सेकेंड के अंदर जो है बार बार रिफ्रेश होता रहेगा एड्स। सो मोबाइल एप्स के लिए ये आप कर सकते हो इनेबल। सो बेसिकली मैं ऐसा ही छोड़ देता हूँ, अब बेसिकली इसको सेव कर लेता हूँ। अब देखो ये जो एड यूनिट है ये सेव हो चुका है। सो एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ इस पेज को। सो देखो ये आ गया इन आर्टिकल एड्स, ये वाला एड यूनिट आ गया। इसके बाद मैं प्लेसमेंट पे क्लिक करूँगा। सो अब प्लेस करना है एड्स को। सो न्यू प्लेसमेंट पे क्लिक करेंगे। न्यू प्लेसमेंट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक नेम दे देना है इन आर्टिकल एड्स ही, उसका नेम रख लेता हूँ इन आर्टिकल एड्स। न्यू प्लेसमेंट का नेम रख लिया इन आर्टिकल एड्स। सो इसमें मैं सिलेक्ट कर लिया प्लेसमेंट, न्यू प्लेसमेंट,
उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, सेव पे क्लिक कर देंगे। सो देखो न्यू प्लेसमेंट आ गया इन आर्टिकल एड्स। इसके बाद टैग्स पे जाएंगे, उसके बाद कंटिन्यू गूगल पब्लिशर टैग्स को ही सिलेक्ट करके रखेंगे, गूगल पब्लिशर टैग फॉर वीडियो एंड ऑडियो। सो यहाँ पे गूगल पब्लिशर टैग्स पे ही क्लिक करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक कोड आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो कैसे कैसे कोड लगाना है। सो बेसिकली वीडियो ऐड के लिए ये वाला कोड है और यहाँ पे देख सकते हो हेडर में आपको ये वाला कोड लगाना है। सो यहाँ से आप कॉपी करेंगे और हेडर पे लगा देंगे। सो हेडर पे कैसे लगाएंगे, देखो मैं यहाँ पे टेक फॉर यू वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ और आपको लगा के दिखा देता हूँ इस ऐड को। प्लगइन पे आके इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर आपके पास एड इंसर्टर है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ही इसका सेटिंग्स पे चलेंगे। तो एड इंसर्टर प्लगइन से ही हम इसको सेटअप करेंगे ऐड को। तो यहाँ पे उसके बाद ए सेटिंग आइकन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हेडर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हेडर एड एड कोड था उसको यहाँ पे कंट्रोल भी करके पेस्ट कर देंगे। सो हेडर को एड कोड यहाँ पे देख सकते हो लग चुका है। अब देखो यहाँ पे बेसिकली जो बॉडी टैग है इस ए ही है एड यूनिट एक्चुअल में। सो ये जहाँ पे लगाएंगे वहाँ पे एड शो होगा। सो बेसिकली इसको सेव कर देंगे, हेडर कोड को सेव सेटिंग पे क्लिक करके सेव कर देंगे। इसके बाद देखो यहाँ पे मैं इस इन आर्टिकल एड को लगा देता हूँ कहीं पे। सो यहाँ पे देख सकते हो मैं पेस्ट कर दिया और इसके बाद आप जहाँ पे लगाना चाहते हो इन आर्टिकल आफ्टर पैराग्राफ नंबर 5 मैं इस ऐड को लगाना चाहता हूँ, तो आफ्टर पैराग्राफ नंबर 5 में जो इन आर्टिकल ऐड है उसको रन करना चाहता हूँ। यहाँ पे सेव सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, जो एड्स है वो लग चुका है। अब इतना तक ही है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे करने का नहीं है। तरीके से आप कोई भी ऐड यूनिट को क्रिएट कर सकते हैं गूगल एड मैनेजर में एंड अपना वेबसाइट में लगा सकते हैं। गूगल एडेक्स का एमए अकाउंट एंड 360 अकाउंट के लिए रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है। एमए अकाउंट जो है वो आपको पेड मेथड से मिलता है, फ्री मेथड में भी मिलेगा, मगर आपका ट्राफिक रिक्वायरमेंट मिनिमम 1 लाख के ऊपर होना चाहिए तभी आपको अप्रूवल देता है। जेनरली आप अप्लाई कर सकते हो मगर अप्रूवल मिलने का चांसेस कम रहता है अगर आपका ट्रैफिक कम है तो। सो बेसिकली नॉर्मल अगर आप गूगल एड मैनेजर को यूज करना चाहते हो तो इस तरीके से कर सकते हो एंड ये बिल्कुल फ्री में फ्री है। अब देखो एमए एंड 360 अकाउंट के लिए आपको एमएनसी ज्वाइन करना होगा, वो सब बाद में हम बताऊंगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड टेक पर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और भी किसी एक्साइटिंग वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय एंड टेक केयर।